जी तो गाइज आप सब खैरियत से होंगे। प्योरफॉर्म फिटनेस की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह आप हमारे साथ साथ रहिएगा। तो इसमें हम आपको डाइट के लिहाज से, फिर उसके बाद बिगिनर्स को सबसे पहले जिम में आकर क्या करना चाहिए, अपने इंस्ट्रक्टर से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, गाइडेंस कैसे लेनी है, फिर उसके बाद जब आप थोड़े बड़े लेवल पे आते हो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह सब हम आपको गाइड करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि कैसे बिगिनर जब जिम आता है उसको एक्सरसाइज कैसे लगवाएं, उसने कैसे स्टार्ट लेना है। जिम आता है तो सबसे पहले, अगर मिसाल के तौर पर आपकी जिम में इंस्ट्रक्टर नहीं अवेलेबल है आपके पास, या इंस्ट्रक्टर अवेलेबल है अक्सर लोग लड़के कहते हैं यार वो बताता नहीं है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें, उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है जिम। तो सबसे पहले आपने पुशअप से स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया। पुशअप में आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल पैर मुताबिक यहाँ सामने ये बाजू रख रहे हैं, ठीक हो गया। पाँव ऐसे मिला के जिस्म बिल्कुल स्ट्रेट, ये और कोने आपने जिस्म के साथ मिलाते हुए ये जाना है, फुल ऊपर, ये फुल नीचे, ये चीज। तो पुशअप्स के आपने लगाने हैं 10-10 के, 3 सेट लगाने हैं, 10 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक हो। अच्छा, पुशअप्स लगाने के बाद आपने आ जाना है जंपिंग जैक्स पे। उसमें क्या करना है, कंधे बिल्कुल स्ट्रेट, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, ये जाना है, ये हाथ बिल्कुल खोले, साथ में आपने टांगे खोली, ठीक हो गए। वार्म अप करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले छोटे डंबल पकड़ लेना है, जो सबसे छोटे डंबल होंगे आपके जिम में वो पकड़ के आपने ये लगाने हैं साइड डंबल शोल्डर्स के लिए। उसके लिए क्या करना है, आपने बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, ये बिल्कुल शोल्डर के सीध में ला के डंबल स्टे देना है आपने। आप जितने ज्यादा स्टे देंगे उतने आपकी मसल में स्ट्रेंथ बनेगी, ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट बाहर, ये कमर अंदर, ये अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा किया आप स्टे दिया। उसके बाद स्लो स्लो देखिए कि हाथ फुल नीचे नहीं लेके जाने आपने, फिर यहाँ से रेपिटेशन स्टार्ट कर देंगे आप, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये आपने लगाने हैं 10 10 के 3 सेट। सेम जैसे हमने पुशअप्स लगाए थे उसके बाद जंपिंग जैक्स भी, आप चिन-अप्स का इजाफा कर सकते हो इसमें, अगर आपके जिम में चिन-अप्स बार हैं तो उस पर चिन-अप्स और पुलअप्स लाजमी लगाया करें वाइडर बैक के लिए। तो सबसे पहली गेम आपकी होगी शोल्डर के, शोल्डर से हम स्टार्ट लेंगे 3 3 सेट साइड डंबल के, सबसे छोटे डंबल के। उसके बाद दूसरी गेम आपकी स्टार्ट होगी फ्रंट प्रेसेस से, सेम छोटे डंबल लेके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपने डंबल पकड़ लेना सामने, जिसम के साथ बिल्कुल लगाने भी नहीं आपने ना, आप ऐसे साइड पे पोस्चर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट आपने लेके आए, पहले एक बाजू का लेके आए, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे सेम उसी पोजीशन पे वापस आ गए। उसके बाद दूसरे पर ये वापस, ये दोनों बाजू का हमारा एक रेपिटेशन हो गया, सेम इसी तरह बिल्कुल स्लो ये आए वापस, ये सेम 10 10 रेपिटेशन और 3 सेट। तो सेम आपने लगाने हैं 10 रेपिटेशन और 3 सेट। शोल्डर की 2 एक्सरसाइज लगाने के बाद हम आ जाते हैं 2 विंग्स की एक्सरसाइज पे, विंग्स भी कह सकते हैं इसको, बैक भी कह सकते हैं आप। तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे लैट पुल डाउन से। जब बिगिनर कोई भी जिम में एंटर होते हैं आप सबसे पहले आप देखेंगे ये लैट पुल डाउन आपको नजर आएगी, उसमें स्ट्रेट रॉड लगा होता है, ये डिफरेंट गेम्स के लिए है, इसमें खास कर हम लगाते हैं बैक के लिए। तो आपने पकड़ना है बिल्कुल वाइडर एंगल, ठीक हो गया। या अगर आप छोटे कद में हैं, अभी दरमियाना कद है आपका या छोटी एज है आपकी, तो बाजू इतनी लंबाई पर नहीं पहुंच सकते, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल ये जहाँ से आपका ये बैंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया, आपने इसको पकड़ा और सबसे पहले आपने मशीन अपने मुताबिक एडजस्ट की, इसको ऐसे बाहर खींचा हमने, तकरीबन हर जिम में ऐसे ही होता है, ये जो लड्डू सा लगा होता है येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, इसको आपने खींचना है बाहर, ये ऐसे बाहर खींचेंगे उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लड़के होते हैं उसको खोलना स्टार्ट कर देते हैं,
फिर उनसे बंद नहीं होगा। आपने पकड़ा है यहाँ से, मैं आपको वाइडल एंगल पे लगा के दिखाऊंगा, आपने अपने हिसाब से ये आप देखें मेरे जिस्म का पोस्टर कवर अंदर चेस्ट बाहर बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है। ये क्या है यहाँ से, ये चेस्ट के ऊपर ये अब बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं आप, एक ये दो ये तीन वापस इधर स्ट्रेट, फिर अपनी पोजीशन वापस ली, चार पांच ये छह, इसके भी आपने सेम लगाने 10-10 रेपिटेशंस के तीन सेट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, सेम पकड़ना है हमने रॉड को और बैक की, ये हमने लगाया फ्रंट पे चेस्ट के ऊपर रॉड लेके आए, उसके बाद हम लेके आते हैं गर्दन के ऊपर पीछे, एंगल चेंज हो जाएगा, गेम सेम मसल की है। ये देखिए रहे तो तीन ये चार पांच छह सात आठ नौ। अब बैक के भी आपने सेम लगाने हैं 10-10 रेपिटेशन और तीन आपने इसके सेट पूरे करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे एक लास्ट गेम पे बटरफ्लाई पे, वेट आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, उसके बाद सीट आप एडजस्ट करें, सीट आपने एडजस्ट करनी है अपने घर के लिहाज से। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने ये जो एंगल है इसको एडजस्ट कहाँ पे करना है। ये देखें इसमें यहाँ पे ये जो चौथे सुराख है इस पर आपने एंगल लगा देना है, इस पिन को अगर आप फ्रंट से लगा रहे हैं चेस्ट के लिए, इसको हमने लगाना है चौथे नंबर पे, और अगर आप इस पर फिर एक और एक्सरसाइज होती है बैक की, उसके लिए आप लगाते हैं इसको बिल्कुल एंड पे, एंड पे कर देते हैं इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं आप, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने, हल्का सा इतना बैंड ये नहीं लेके आना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट और लेके आए बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट बाहर कमर अंदर पेट अंदर, ये चेस्ट को पंप रखना है, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो चेस्ट पंप होगी मजीद, एक फिर लेके आए दो ये तीन चार पांच छ सात, इस तरह आपने पूरे करने हैं 10-10 रेपिटेशंस के तीन सेट। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि एक बिगिनर जब जिम स्टार्ट करता है वो किस तरह से अपना स्टार्ट ले सकता है, पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये तकरीबन आप 2-3 दिन जो मैंने आपको ये गाइड किया इस वीडियो में, ये आप करें अपना 3 दिन इंशाल्लाह। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको लेके चलूँगा आप वन मसल कैसे स्टार्ट करेंगे, वन मसल के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आप देखिएगा लाजमी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी जर्नी चलती जाएगी अल्लाह खैर करे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी गाइस, तो क्या हाल है, सब खैरियत से है यार, ये सही है वाला अपने घर जाना है।